यू नो वॉट, स्कूल्स में एक इंट्रोवर्ट नाम की प्रजाति होती है जिसके क्लास में होने या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी प्रजाति के अंदर मैं भी आती थी। बहुत ही कम बोलने वाली बोरिंग और चंपू सी लड़की। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से इंट्रोवर्ट थी, पहले मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बट बार बार स्कूल चेंज करने के कारण मेरे बार बार दोस्त भी बदले, और उसी के कारण मैंने लोगों से बात करना बहुत कम कर दिया। और अब मुझे क्लास में कोई नहीं जानता था, बस मेरे नाम के कारण मैं थोड़ी सी फेमस थी, थोड़ी सी, क्योंकि कृष्णा लड़कों का नाम होता है। बट इन क्लास 11th मुझे किसी ने अडॉप्ट कर लिया। यस, मेरी बेस्टी ने, वो बहुत बड़ी वाली एक्सट्रोवर्ट है। और ये तो बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। लाइक, ये खिलौना मुझे पसंद आ रहा है, आज से तुम मेरा। और ऐसा ही कुछ 11th क्लास में मेरे साथ भी हुआ। अब मेरी बेस्टी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना बहुत ज्यादा पसंद था, और वो मुझे भी फोर्स करती थी, फिर भले ही मुझे लाइन के एकदम लास्ट में खड़ा कर दिया जाए। अब बिकॉज ऑफ शी वॉज माई ओनली फ्रेंड, मुझे भी पार्ट लेना ही पड़ता था। बट इन एक्टिविटीज में पार्ट लेने के बाद हमारा पढ़ाई से लोड थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि लेक्चर के बीच में ये लोग कभी भी बुला लेते थे हम लोगों को। क्लास 11th में मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लिया, और एक दो में तो मैं जीती भी थी। बट अब टाइम था एनुअल फंक्शन का, और एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमसे 500 रुपए ले रहे थे। मतलब कि नाचे भी हम, प्रैक्टिस भी हम करें, और पैसे भी हम ही दे। तो मैंने मना कर दिया, हाँ मैं नहीं ले रही, एक तो मेरी हाइट इतनी लंबी, डांस में अगर मैंने पार्टिसिपेट लिया भी तो मुझे पीछे खड़ा कर देंगे, 500 रुपए फिर मैं क्यों दूं जब मेरा चेहरा ही नहीं दिखेगा, जब मेरी ड्रेस ही नहीं दिखेगी। हैं, बोलो कंजूस स्कूल वाले। खैर, जो कि अब मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा था मेरी बेस्टी की तरफ से। अब देखो, भले ही मैं इंट्रोवर्ट थी, लेकिन मेरे ऊपर उसकी संगत का असर हो गया था, मैं भी थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हो गई थी, थोड़ी सी। अब इतने प्रेशर के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रामा में पार्टिसिपेट करूंगी, क्योंकि उसमें पैसे भी नहीं लग रहे थे और मैं स्टेज पे हाईलाइट भी हो जाऊंगी। अब मैं भी खुश थी, मेरी फ्रेंड भी खुश थी, और मेरी पॉकेट भी। बट जब मैं उस ड्रामा टीम में गई, वहां पर सारे लड़के थे, आई वॉज द ओनली गर्ल, और ये एक कॉमेडिक ड्रामा था जिसमें मुझे अनपढ़ लड़की का रोल निभाना था। हमारे ड्रामे का नाम था इंटरव्यू, और अब तुम ही सोच लो कि एक अनपढ़ लड़की कैसा इंटरव्यू देगी। हर क्वेश्चन के लिए मुझे एक ही डायलॉग था, एमपी सर। ये बात है 2019 की, और उस टाइम पर ये एमपी वाला जो डायलॉग था ना, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और टीचर्स लोगों ने वही वाली चीज उठाकर मुझे चिपका दी थी। खैर, जो भी हो, अब देखो, किसी भी स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन होता है ना, तो उसकी प्रैक्टिस एक महीने पहले से ही चालू हो जाती है, और जब सबकी प्रैक्टिस वैक्टिस सब खत्म हो जाती है, उसके बाद टाइम आता है प्रिंसिपल को एक्ट दिखाने का। अब देखो, हमारा ड्रामा प्रिंसिपल को दिखाने के लिए हमें बुलाया जाता है असेंबली हॉल में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जिनने भी एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। मतलब कि इतने सारे बच्चों के सामने हमारा ड्रामा पहले ही रिवील हो जाएगा, ये तो बड़ी बुरी बात है। आधे स्कूल ने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो फिर क्या ही फायदा स्टेज पे जाकर परफॉर्म करने का, जब इतने लोगों के सामने पहले ही रिवील हो जाएगा हमारा ड्रामा। फिर जब हमने ड्रामा परफॉर्म किया, सभी बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे, इवन प्रिंसिपल ऑल्सो। वो बात अलग है कि हमारा कॉमेडिक ड्रामा था तो हंसी तो आनी है। पहली बार मेरे ऊपर कोई हंस रहा था और मुझे बुरा नहीं लग रहा था। उस टाइम के बाद मैं स्कूल में काफी फेमस हो गई, हर बच्चा मुझे एमपी दीदी नाम से पहचानता था, और बार बार बच्चे मेरे सामने मेरा ही डायलॉग मुझे मार के जाते थे। मैंने तो अपने आप को सेलिब्रिटी घोषित कर दिया था, हाय इतनी अटेंशन, वो भी एक इंट्रोवर्ट को। लेकिन ये चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि फिर बाद में कोविड लग गया था। भले ही फेम थोड़ी देर के लिए मिली, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। और हाँ, अब मैं इंट्रोवर्ट नहीं रही, पता नहीं मैं क्या हूँ, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम लोग अभी स्कूल में हो, देन मेक सम मेमोरीज, ताकि तुम आगे फ्यूचर में किसी को बता सको कि तुमने स्कूल में क्या क्या कांड किए। केवल स्कूल से घर, घर से स्कूल, किताबी कीड़ा बन के मत रहो यार। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, तो भगवान करे तुम्हें कोई एक्सट्रोवर्ट मिल जाए जो कि तुम्हें अडॉप्ट कर ले। तो वीडियो खत्म, और मेरे पास कुछ फोटोज और वीडियो है जो कि उस एक्ट की, और मैं दिखाना चाहती हूँ बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मैंने उस चीज में पार्टिसिपेट किया था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर भले ही मैं उस टाइम पे चोमू और चंपू लड़की दिखती थी, वो तो अभी भी दिखती हूँ, बट फिर भी हेयर वी गो। आई डोंट नो व्हाई फोटोज ब्लर हो गई है, मे बी इधर से उधर ट्रांसफर हुई है, इसलिए। ये जो फोटो देख रहे हो, ये फंक्शन वाले दिन की, और उसमें मुझे साड़ी पहन के जाना था। और ये रही एक्ट की छोटी सी क्लिप, इसमें पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही है, मैंने तो आवाज के साथ ही रिकॉर्ड करा था। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा पतली थी, पतली तो अभी भी हूँ, बट उस टाइम पे और भी ज्यादा पतली थी। तो मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाय मेरी ओवर एक्टिंग, शी 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 शी।